sab ba yeug sew parce baye mata go palum shirabat constituency me trs party candidate ka trs party se mla candidate hu main wahan par us baat mein bhai bahut bahut khushi ki baat hai shirabat mein musalman bhaiyon mere support mera support ke waste jaake sabko main request kar raha खासकर MIM का सदर हमारा असद भाई को जाकर नमस्ते करकर हमारा मेरे संपर्क करो बोलते गुलाम भाई साहब ने बताया आप मैं सपोर्ट करेंगे हम लोग आपको लेकिन गोलखपुर के हल्के को अच्छा डेवलप करना बोल के बोले मैं बोला जरूर डेवलप करूंगा साहब मैं गोलखपुर के हल्के को डेवलप करूंगा क्योंकि मैं 40 साल से मैं मुर्शिदाबाद में हर गली हर कोना कोना जानता हूँ मैं कि मतलब 1986 में मैं जवाहरनगर से म्यूनसिपल कॉरपोरेटर था और मैं GDP के सदर भी था 8-9 साल मैं बोला साहब बताए वहाँ का कुछ रोड्स और ड्रेनेजेस वाटर लेंस के वास्ते डेवलप करना बोलते बोले और मैं बोला साहब मेरा जीत के वास्ते मेरे बारे में 5 मिनट आप गोलखपुर में आना बोलते मैं बात को रिक्वेस्ट करूँ मैं रिक्वेस्ट करने के बाद में साहब बताए मैं देखो 1 घंटे आपके बारे में महबूब मुर्शिदाबाद में गोलखपुर में आके मैं मीटिंग करता हूँ बोलते साहब बोले मैं जिंदगी में साहब का सपोर्ट नहीं बोलता हूँ नहीं बोलते बोल के बोलते हुए मेरे सब मुसलमान भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे के इलेक्शंस में अच्छे पैमाने से वोट डालकर मेरा जिताना बोल के बोलते हुए सर झुककर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई जिंदगी है सबके साथ मैं शुक्र गुजार रहता हूँ मैं नमस्कार जय अस्सलाम वालेकुम आज गोलखपुर मुर्शिदाबाद में आमदारा फंक्शन हॉल में हमारे पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें MIM लीडर्स और जो है TRS लीडर्स जमा हुए थे क्योंकि हमारे सदर और हमारे पार्टी के तमाम अराकीन की बात सुनते हैं क्योंकि हम पार्टी के वर्कर्स हैं तो हमारे सदरों की बात भी हम सुनते हैं तो हमारे सदर साहब का कहना यह है कि गोलखपुर मुर्शिदाबाद की सीट की हम तायद करते हैं आप लोग उनका सपोर्ट करिए तो आज हम उसी सिलसिले में एक मीटिंग लगाए थे कि आज हम मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में TRS के जो कैंडिडेट हैं मुट्टा गोपाल साहब उनकी तायद में ये मीटिंग लगाएँ और भरपूर उनको सपोर्ट करेंगे जब हमारे पार्टी के सदर ये कह दिए हैं कि उन्हें सपोर्ट करना है तो हम बराबर सपोर्ट करेंगे और हमारे सदर के बात को हम रखते हुए ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनकी ये बात को रख के मुर्शिदाबाद की सीट MLA की मुट्टा गोपाल साहब जीत कर आएंगे उनकी बात बरकरार रहेगी और पूरे MIM के लीडर्स मिलजुल कर काम करेंगे एकता के साथ काम करेंगे जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार हो या MIM का लीडर हो जिस तरह गोलखपुर की आवाम जिताकर लाती है उसी तरह ये वादा है कि मुर्शिदाबाद में भी पूरे मुसलमान मिलकर TRS के लिए मुट्टा गोपाल को जिताकर लाएंगे और भरपूर लाएंगे एकजहती बताएंगे क्योंकि हमारा देश एकजहती का देश है और यहाँ पर कोई तासुब नहीं है हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं मगर पूरे गोलखपुर के लोग एक ही बात मानते हैं क्योंकि गोलखपुर की आवाज़ पूरे देश में जानी जाती है तासुब क्यों कर होता है हर इंसान के सीने में लहू तो हम सबका एक जैसे ही होता है परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती कभी वो मंदिर पे तो कभी वो मस्जिद पे भी बैठता है इसी बुनियाद पर हम ये वोट डालेंगे और इंशाल्लाह ये सेकुलर पार्टी है और KCR साहब के भी हाथ मजबूत करेंगे क्योंकि ये तेलंगाना हुकूमत आई जब से तमाम लोग खुशहाल हैं और KCR साहब का जो कारनामा है इससे पहले हम YSR के दौर में देखे थे मगर उससे ज़्यादा हम KCR के दौर में देख रहे हैं बड़ी खुशी होती है आज पुरसुकून की नींद सोता है पुलिस महकुमा फ्रेंडली पुलिस की तरह काम कर रही है और आज तक भी पानी के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई और आज भी हमें करंट की कोई तकलीफ नहीं हुई आज घर घर पानी पहुंचता है कोई वक्त में भी करंट नहीं जाता है यहाँ तक के मुसलमानों को हिंदुओं को सिखों को ईसाइयों को त्योहारों में भी पैकेज मिलता है पैसे मिलते हैं उन्हें खुशी मिलती है यहाँ तक के बेवाओं को पेंशन मिलती है ये सब कारनामा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बदौलत है क्योंकि उन्होंने अखिलेतियों के लिए जो आवाज़ उठाया है
तारीफ काबिल है, तारीफ नहीं बल्कि हम सलूट करते हैं, हम सलाम करते हैं ऐसे रहनुमा की, और हमें चाहिए हमारे ऐसे रहनुमा और भी हों। और ये बात कहते हुए जय तेलंगाना, जय हिंद, एमआईएम जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर तमाम एमआईएम के कारकुनान लीडरान जमा हुए हैं। आज ये मीटिंग का इनका का मंशा और मकसद यही है कि गुजश्ते साढ़े चार साल दौर में केसीआर साहब के जो कारनामे हुए हैं वो आवाम तक पैगाम को पहुंचाना होगा। आप हर घर में, हर महल में या आप लोगों की जिम्मेदारी होगी हमारी औलाद की कि ये जिम्मेदारी आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, ये पैगाम पहुंचाना होगा कि वो पैगाम क्या है। ये पैगाम ये है कि गुजश्ते 65 साल या दौर में मुसलमानों के साथ कितना सोचना शुरू किया गया, मुसलमानों के साथ कितना नाइंसाफी की गई, ये पैगाम पहुंचाना होगा कि इन्होंने हमारे साथ कोर्ट की जागीर और इस्तेमाली किया, इस्तेमाल किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो तेलुगुदेशम हो, ये पैगाम पहुंचाना होगा। चले मुसलमानों को असेंबली में बजट देते थे 1% नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तेलंगाना गवर्नमेंट में केसीआर साहब की सरकार में मुसलमानों को जो बजट किया जा रहा है 2000 करोड़ का बजट किया जा रहा है। आज तक जो सो हिंदुस्तान का बजट अगर देखेंगे 400 करोड़ रुपए का है, एक नई रियासत का बजट 2000 करोड़ का बजट है। आपको मालूम होना चाहिए, ये पैगाम हमको पहुंचाना चाहिए कि मुत्तहिला आंध्र प्रदेश में कम होने से कबल मुसलमान मालदार जयजेता हुआ करते थे, 65 साल का दौर में ऐसा क्या हो गया मुसलमान देश में लेने वाले हो गए। तो ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुकूमत और तेलुगुदेशम हुकूमत ने किया है, मुसलमान को बर्बाद कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजेंद्र कुमार स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट है, रंगाना कमीशन की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम तबका का जब सर्वे हुआ तो इन्होंने तो रिपोर्ट तैयार की कि सारे तबकों से अगर यही हालत बदतर अगर हालत है तो मुसलमान वक्त की हालत है। तो हमको जानना होगा, ये पैगाम गली गली घर घर में पहुंचाना होगा कि हमारी हालत ये किसने की, ये हरी हमारी हालत करने वाली कोई और नहीं, क्या की जो है कांग्रेस हुकूमत तेलुगुदेशम हुकूमत है। आपको और एक बात बता दूं, हमेशा चंद्रबाबू नायडू ये कहा करते थे कि मेरी एक आंख मुसलमान है, एक आंख मेरी हिंदू है। जब ये बीजेपी से जा मिलते थे, नरेंद्र मोदी से गले मिलते थे, वाजपेयी की सरकार से मिलते थे तो इनकी दो नजर जो है दस नजर हो जाती थी। मगर यहां पर केसीआर साहब की हुकूमत आई तो आपको मालूम होना चाहिए कि केसीआर साहब की नजर दो और है, मगर नजर एक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाले का नाम केसीआर है। आज आपको यह पैगाम पहुंचाना होगा कि आज हम हर मदद कर रहे हैं हमारे आमिर खान साहब की, जो आप सदर में मीटिंग हो रही है, जो लकड़ी मिलना डायरेक्टर सब्दुल अली साहब की हिदायत पर इन्होंने बेहतरीन काम अंजाम दिया है। यहाँ के गोरखपुर के सीनियर सारे मुशावर हल्के असेंबली के गोपाल साहब के बुजुर्ग मधोजी और एक्टिव सरगर्म कारकुन शिनावाद जनाब असोजी नवेशी की हिदायत पर आज आपको उनको यहाँ पर जमा किया गया, उनका ताकि आपको उनका मैसेज पहुंचा जाए। और असद साहब गोरखपुर में इंशाल्लाह 1 या 2 या 3 तारीख को एक जलसा ले रहे थे, आपको हाजिर करें। आज से 1 महीना पहले असद साहब ने कहा था कि मुसलमान के जिम्मेदारों को बुलाओ, तो मैं मुर्शिदाबाद के जिम्मेदारों को लेते थे कि आज साहब के पास असद साहब ले गए, कुछ काम बाकी थे यहाँ पे, क्योंकि आज साहब ने फौरन जो साहब कमिश्नर हैं उनको हिदायत दी। तो दूसरे दिन सुबह मुर्शिदाबाद गोरखपुर आए, मैं साथ में था उनके। मुर्शिदाबाद में वाटर पोल्यूशन और सीवरेज बोर्ड के हेड मास्टर थे, 1 घंटे के अंदर दानिशो साहब ने दौरा किया और 12 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया। क्योंकि इलेक्शन बोर्ड है, इसकी जो काम शुरू नहीं हो गए, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे।
अखिल साहब 2.5 साल से कॉरपोरेट रहे हैं, आपको मालूम है कि कॉरपोरेटर फंड इस गवर्नमेंट का नहीं है और जो यहाँ मौजूदा MLA है उसके फंड से गोरखपुर में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इसलिए भी है हमारे लिए कॉरपोरेटर। कल शाम में असद साहब ने कहा कि गोपाल साहब को उससे गोपाल साहब हमारे रांची मर्चेंट के अलहाज जो भी है, मगर सदर मैडम के हमको फोन आया मेरे और कॉर्पोरेट साहब को कि आप पौधे मेरे घर पे आइए, हम दोनों कॉर्पोरेट साहब और भाई लेकर आया हूँ और हमारे चैनल मोटा गोपाल साहब भी बहुत तशरीफ लाए थे। लाने के बाद आपका एक ही खबर मशीनाबाद की सीट TRS को मिलना चाहिए शरीफ, हमारी एक ही तमन्ना और मेरी ये सीट है। अगर पूरे तेलंगाना स्टेट में अगर किसी की नजर है तो हिंदुस्तान का, अगर तेलंगाना स्टेट में अगर किसी पे नजर है तो मशीनाबाद की सीट है वो गोपाल साहब। और आप मैं बोल रहा हूँ तवर को दिया हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी जान और मेहनत से मैं ये सीट जैसा भी आगे उनका तोहफे में बोलते बुलाऊ आपको। और साथ ही तवर को भी है और हमारे यहाँ पर फिर भी MLA कभी मशीनाबाद उसने मिले हैं कभी काम नहीं किया है। आज तक मेरे को लखनऊ की पार्टी बीजेपी की पार्टी आदि से मेरे कहीं फिरा है। जनाब गोपाल साहब मजिस्ट्रेट, जनाब जानी खान साहब कारपोरेटर साहब, साथ ही अली खान और मोहल्ले की तमाम मोहम्मद शख्सियात, सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले हमारी जो कैडर है टूरिंग कैडर उसको सलाम करता हूँ कि इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर जहाँ पर हमारे मजलिस के कैंडिडेट सेकंड नंबर पर थे वहाँ पर अपने कैंडिडेट को वहाँ पर नहीं ठहराए, महज फिरका पर जमान को रोकने के लिए। ये हकीकत है, इससे जो है इंकार नहीं कह सकता क्योंकि गोपाल साहब एरिए में कोई नए नहीं है, काफी टाइम से ज्यादा काफी खिदमत कर रहे समझे, और कभी भी आधी रात को भी आप फोन करें तो उत्तर गोपाल साहब अवेलेबल है समझे। और उसी नजरिए से जो ना KTR साहब जब हम 15 दिन पहले हमारे सदर साहब आदर के साथ KTR साहब से लेने गए थे तो उसी टाइम पे बोले थे कि भाई किसी भी सूरत में आप लोग मुख्तार गोपाल को जिताना है। हमारे जो है ना असद साहब लेके गए थे, ले आके मिला मिलाने के बाद जो है ना बहुत सारी बातें हैं और हफ्ते के डेवलपमेंट के बारे में भी बातें हैं और जब भी जो है ना KTR साहब कुछ हम हमारे शिकायत मस्जिद मंदिर यही मसले लेकर सामने आते हैं। मैं यही पूछना चाहूंगा कि इलेक्शन आते ही मिस्त्री क्यों आ जाता है राम मंदिर बनाने के लिए? औरंगजेब टीपू सुल्तान ये इलेक्शन के दौर में ही क्यों शिकार से वापस आ जाते हैं? क्यों इनकी ही दुआई की जाती है? क्या इनको कोई जाना में करने का मौका नहीं मिला? क्या ये पब्लिक के बीच नहीं रहे? क्या ऐसे कोई काम नहीं करे जिसकी वजह से पब्लिक इन्हें वोट दे इनके काम के बल होते पर? मगर नहीं, इनका मुद्दा है सिर्फ हिंदुत्ववाद करे हिंदुस्तान को और साथ ही साथ राम मंदिर का मसला लेकर सामने आए। मगर मेरा हिंदुस्तान एक जैसी का देश है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हम वो गुलिस्तान के बुलबुले हैं कि हम जहां भी बिखरते हैं फूलों की तरह खुशबू रखेंगे, सीने में अपने कुरान रखेंगे, मेल बनाए जो आपस में वैसा हम धर्म और ईमान रखेंगे, संत बजाएंगे सहचारगी का, अमन की भी एक ऐसी अजान रखेंगे। हाँ मेरे भाइयों, हमारा काबा भी रहेगा, तुम्हारी काशी भी रहेगी, मगर हम तुम मिलकर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे। जय हिंद।